नमस्कार, बीकेबी न्यूज की आज के स्पेशल स्टोरी में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसके बिना हम व्यक्त नहीं हो सकते, हमारे जीवन में पल पल जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है, और वो है भाषा। आज का दिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को समर्पित है। तो आज हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं आज की स्पेशल स्टोरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल का कहना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इस दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकण प्रतियोगिता आदि होता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। ये सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1,01,000 रुपये दिए जाते हैं। हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिंदी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन अगले दिन सभी हिंदी भाषा को भूल जाते हैं। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रखे, इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है, जिससे ये कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती ही है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में ये संख्या बहुत ही कम है। ये और भी कम होती जा रही है। इसी के साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए और अंग्रेजी के शब्द ने उनकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की संभावना अधिक बढ़ गई है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन करें, हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीनता दिखाते हैं। हिंदी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रहती है। हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन हिंदी के लिए 129 देशों का समर्थन क्या नहीं जुटाया जा सकता। इसके ऐसे हालात आ गए हैं कि हिंदी दिवस के दिन भी कई लोगों को ट्विटर पर हिंदी में बोलो जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। अमर उजाला ने भी लोगों से विनती की कि कम से कम हिंदी दिवस के दिन हिंदी में ट्वीट करें। इसका मुख्य
मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लेखन आदि के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग और लाभ के बारे में बताया जाता है। तो बीकेबी न्यूज की आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी और नई स्पेशल स्टोरी के साथ। देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।